tension is the force acting on per unit length on the surface of liquid. What does mean by that? भाई सरफेस के ऊपर अगर टेंशन क्रिएट हो रही है मीन सरफेस टेंशन. लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो जाती है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन. तभी ये कहा जाता है कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ. और वी कैन ऑल्सो से दैट surface tension is the energy applied on per unit area. अब अगर हम इसको देखें और समझें, so let's suppose कि आपने एक liquid देखा, ये हमारे पास liquid है, container के अंदर. अब इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना सरफेस पे, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक टेंशन को बेयर कर रहे हैं. इसलिए क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल की सपोर्ट है, यहाँ से मॉलिक्यूल की सपोर्ट है, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नहीं दाएं बाएं और नीचे की तरफ से इनको खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है. लेकिन ऊपर की जानिब से उनको कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर पा रही है. यही वजह है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे चूंकि कोई और मॉलिक्यूल उनको नहीं मिल रहा होता अपने ऊपर जो उन तमाम फोर्सेस को जो उनके ऊपर पड़ रही होती है उनको बैलेंस कर सकें, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है. इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर जब फोर्स पड़ रही होती है ऑन पर यूनिट लेंथ is known as surface tension. Easy way में हम ये कहते हैं, ठीक है. अच्छा अब अगर हम ये बात करें कि surface tension के कौन से factors हैं, जैसे कि हमने viscosity में discuss किया था, तो हम अगर इसमें discuss करें तो कौन से factors हैं जो surface tension के ऊपर effect कर रहे हैं. तो सबसे पहले चीज़ तो आ जाएगी हमारी intermolecular. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी सरफेस ऑफ लिक्विड पे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी. अच्छा सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह का साइन होता है, ठीक है, गामा टाइप. ओके सो IMF और सरफेस टेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है. फिर हम बात करें टेम्परेचर की. सो टेम्परेचर की मैं बात करूं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो लिक्विड का, ठीक है, आपने नीचे से उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो टेंशन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी. क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो वीक पड़ जाएंगी. जब वो वीक पड़ेंगी तो उसके नतीजे में हमारे पास सरफेस टेंशन कम हो जाएगी. यही वजह है कि हम कहते हैं कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का इनवर्स रिलेशन है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी. Why? Because of the decreasing effect of intermolecular forces. Intermolecular forces जो हैं वो weak पड़ जाएंगी temperature की वजह से. Okay? अब हम बढ़ते हैं next factor की जाने. Hydrogen bonding. अगर hydrogen bonding किसी liquid के अंदर मौजूद है तो फिर क्या होगा, फिर surface tension तो directly proportional हो जाती है. क्योंकि hydrogen bonding की मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास water है, water के अंदर hydrogen bonding होती है. अगर इसके साथ फेस टेंशन की मैं बात करूं तो वाटर बॉन्ड, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो उसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो है वो टेंशन और ज़्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि पहले से ही उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई वी से के
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। अब हम बात करें यूनिट्स की, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में। सो SI यूनिट्स में हमारे पास जूल पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर, जबकि CGS सिस्टम में हमारे पास अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर होता है। अब हम ये देखें कि सरफेस टेंशन हमें दिखती कहाँ है। एक तो हाँ लिक्विड के सरफेस के ऊपर होती है, लेकिन साथ साथ अगर आप फ्री फॉलिंग ड्रॉप को देखो, जब बारिश बरस रही होती है तो जो रेन ड्रॉप होता है उसकी शक्ल जस्ट लाइक यू कैन सी ओवर हियर। तो इसकी अगर हम शेप को डिफाइन करें कि इसकी स्फेरिकल शेप क्यों है, वो इसी वजह से है कि जब पानी गिर रहा होता है तो उसका वॉल्यूम लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपना वॉल्यूम एक स्पेसिफिक रखने के लिए तमाम के तमाम जुड़ जाते हैं, और जो सरफेस की जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ये काम करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में क्लोज हो जाते हैं। उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं बनिस्बत अंदर के मॉलिक्यूल्स के, तभी वो स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। और ये सब क्यों हो रहा होता है? सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा होता है। फिर हम बात करें कि हमारे पास लिक्विड भी डिफरेंट शेप्स में नज़र आ रहे हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मरकरी है, तो मरकरी को अगर मैं टेस्ट ट्यूब में डाल दूँ तो मुझे इस तरह से दिखेगा, जबकि अगर मैं वाटर को टेस्ट ट्यूब में डाल दूँ तो मुझे इस तरह की शेप नज़र आएगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? मरकरी हमें नज़र आ रहा है इन कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यानी कि अपवर्ड मेनिस्कस, जबकि हमें वाटर नज़र आ रहा है डाउनवर्ड मेनिस्कस में, कॉनकेव मेनिस्कस में। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है दो फोर्सेस, और वो दो फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो होती हैं एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान में होती हैं। ठीक है, जबकि हम बात करें एडहेसिव फोर्सेस की, तो ये फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो हमने यहाँ पे बात की थी कि मरकरी में अपवर्ड मेनिस्कस आ रहा होता है, वो इसलिए आता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा होती हैं मेनिस्कस अपवर्ड मेनिस्कस के अंदर, यानी कि मरकरी के मेनिस्कस में, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। जबकि मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर का मेनिस्कस हमें कॉनकेव क्यों मिल रहा होता है? वो इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस दैट इज मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसे कॉनकेव मेनिस्कस मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस में, क्योंकि मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान में ज़्यादा फोर्स है, तो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ में मॉलिक्यूल स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह की शेप बना रहे होते हैं। जबकि कोहेसिव फोर्सेस के अंदर, चूंकि मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, तो वो सारी की सारी दूसरे को पुल आउट करके नीचे कर रही होती हैं, फिर पता ही चल रहा होता है कि हमारे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा होता है। किसके अंदर? मरकरी के अंदर। ओके, इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि इन दोनों के अंदर हमें कैपिलरी एक्शन मिल रहा है। ठीक है, किस तरीके से कैपिलरी एक्शन मिल रहा होता है? जब हम किसी बहुत छोटे वॉल्यूम की वेजल के अंदर, छोटे वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर अपना लिक्विड डाल देते हैं, तो जब हमारा लिक्विड राइज करता है उस स्पेसिफिक वेजल के अंदर, उस राइजिंग ऑफ लिक्विड इन दैट पर्टिकुलर ट्यूब और कंटेनर को हम कहते हैं कि ये शो कर रहा है कैपिलरी एक्शन। और ये कैपिलरी एक्शन भी क्यों हो रहा है? एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, जो कि वाटर के अंदर हमें मिल रहा होता है। सो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही हमारे पास एक और फिनोमेना हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन।
इट मीन्स के राइज ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का राइज होना कैपिलरी ट्यूब के अंदर बिकॉज ऑफ व्हाट? एडहेसिव फोर्सेस. सो बेटा आज हमने लिक्विड को डिस्कस किया, लिक्विड के बिहेवियर को डिस्कस किया, लिक्विड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, लिक्विड किस तरह से बिहेव कर रहा होता है और उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए होते हैं उन बिहेवियर्स के पीछे, हमने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में. ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर विद द टॉपिक सॉलिड. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.